अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको हरी मिर्ची जो कि भुनी हुई होती हैं, चटपटी करारी सी, वो बनाना आपको बताऊंगी और उसके साथ मैं आपको अरबियों की कटलियां बताऊंगी। मगर उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हरी मिर्ची चाहिए। हरी मिर्चों को इस तरह की आपने हरी मिर्चें लेके जो कि तेज ना हो आपने काट लेनी है। एक पाव काटना चाहे एक पाव काट लें, अगर आठ पाव काटना चाहे तो आठ पाव काट लें। उसके साथ हमें एक दरमियाने साइज की प्याज चाहिए, चॉप हुई भी, और उसके साथ हमने लेना है साबुत धनिया, जीरा पिसा हुआ। साबुत ले लें, साबुत लेके पीस लें, ये आपकी मर्जी है। और हमने आमचूर पाउडर लेना है, या कच्चा आम हो तो आप कच्चा आम पीस के वो ले लें इसकी जगह। आमचूर पाउडर हमने 2 टेबलस्पून भर के डाले हैं। साबुत धनिया हमने 2 टेबलस्पून लिया है। सफ़ेद जीरा हमने 1.5 टीस्पून लिया है। और हमने नमक लिया है हसब ज़रूरत। अब हमने सबसे पहले इन तमाम मसालों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है और प्याज को थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्की आंच पे अपने चूल्हे पे रखेंगे। मसाला हमने मोटा मोटा पीस लिया है, दरदरा सा, हमने इसको बहुत बारीक नहीं करना। अब हम अपने पैन को रख के उसके अंदर प्याज डालेंगे। पैन में हमने प्याज डालनी है सबसे पहले, जो हमने एक दरमियानी प्याज चॉप की थी। उसके साथ हमने इसमें ऑयल डालना है। आप इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालें, ज़्यादा हमने नहीं डालना। इसको लाइट सा ब्राउन होने दें। जब हमारी प्याज हल्की हल्की नरम होने लगे तो हमने इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें डाल देनी हैं ताकि ये हल्की सी फ्राई हो। आपने आंच नॉर्मल रखी है और अपनी हरी मिर्चों को इसके अंदर डाल देंगे। हल्का सा फ्राई करके हमने इसके अंदर इसका मसाला डालना है। बहुत ही मज़ेदार मिर्चें होती हैं ये, आपको दाल के साथ, सब्जी के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा देंगी, अचार से भी ज़्यादा। हमारी मिर्चें नरम पड़ गई हैं और प्याज भी हमारी इसके साथ के साथ नरम हो गई है। अब हमने तमाम मसाला जो हमने मोटा मोटा कुटा था इसके अंदर डाल देना है। अपनी आंच को थोड़ा सा हल्का करना है। उसके साथ हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 2-3 घूंट पानी इसके अंदर डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम दम पे रख देंगे। इसके बाद हम अरबियों की कटलियाँ तैयार करेंगे। मसाला अच्छी तरह मिक्स कर दें और इसको दम पे रख लें। अब हम अरबियां तैयार करते हैं। अरबियों के लिए चाहिए हमें 1/2 kg अरबियां हमने काट ली हैं। इसकी बारीक बारीक कटलियां हमने काट ली हैं छील के। इसके लिए हमें एक दरमियाना प्याज चाहिए और इसके लिए हमें ये मसाले चाहिए। मसालों में हमने मिर्ची ली है 1 टेबलस्पून, 1/2 teaspoon हमने हल्दी पाउडर लिया है, अजवाइन ली है हमने 1/2 teaspoon, सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने पिसा हुआ, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, या हसब ज़रूरत आपने जितना भी डालना है आप उतना लें। एक हमने बड़ा टमाटर लिया है इसमें डालने के लिए। अब हम सबसे पहले हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर उसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। हमने बर्तन में प्याज डाला और प्याज डाल के हम इसमें ऑयल डाल देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल डालें। हम इसमें 1/2 teaspoon ऑयल डालेंगे। 1/2 teaspoon नहीं, सॉरी, मैंने इसमें 1/2 cup ऑयल डाला है। प्याज हमारी ब्राउन होने लगी है। अब हमने इसके अंदर अजवाइन डालनी है। वो जो अजवाइन हमने इसमें निकाली थी, अजवाइन और ज़ीरा, दोनों चीज़ें अभी हमने डालनी है।
और प्याज को चलाना है। प्याज का हमारा कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर हमने अपने काटे हुए टमाटर डालने हैं और जो मसाला प्लेट में रह गया था, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये हमने इसके अंदर डालना है। सारा मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया, अब हमने इसको भूनना है। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डालेंगे भूनने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। मसाला अच्छी तरह भून रहा है, आप मसाला भूनते जाएं और अपने ही चम्मच से, जिस चम्मच को आप इसमें चला रहे हैं उसको हल्का हल्का दबाते जाएं, ताकि आपके टमाटर इसमें अच्छी तरह मैश हो जाए और ये बिल्कुल इस शक्ल में आता जाए। जितना गलेगा उतने ज़्यादा टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे और हमारा मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हमारे मसाले अच्छी तरह भून चुका है, अब हमने इसमें अरबियाँ डाली हैं। अरबियाँ को धो के मैंने पहले अलहदा से बॉल में रख दिया था, अब हमने अरबियाँ इसमें डाल के इनको हल्का सा इसमें भूनना है। इसके अंदर हम आधा गिलास पानी डाल के इसको दम में रख देंगे, फिर ये सिर्फ गल जाएंगे और उनका पानी खुश्क हो जाएगा, तो हमारी अरबियाँ तैयार हैं। अब हम इसे दम में रखेंगे, हमारी अरबियाँ गल चुकी हैं, अब इन्हें हम चेक करेंगे। अगर इसमें आपको पानी कम लगे, गली ना हो अरबियाँ, तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। हमारी अरबी गल चुकी है, हमारा सालन तैयार हो गया है, अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। अरबियाँ हमारी तैयार हैं और मिर्ची भी मैंने 5 मिनट पहले बंद कर दी थी। अरबियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, ये मैंने एक बॉल में निकाल ली हैं, अब हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालनी हैं। बाद में जब आप इसको खाएंगे तो आप इसके ऊपर लीमू निचोड़ लें, लीमू से बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और जो इसके साथ हमने मिर्चें तैयार की थी वो भी हमारी तैयार हो गई हैं। मिर्चियों में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ये भुना भुना होता है बिल्कुल। मैंने इसमें 2 से 3 घूंट पानी डाले थे और इसको बिल्कुल भून लिया है। मिर्ची हमारी नरम पड़ गई हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हैं। आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो में।